एल्डोल सघनन, दूसरी अभिक्रिया है एल्डोल सघनन। तो एल्डोल सघनन में क्या होता है, ये हमें दे रखा है एसिटेटिहाइड CH2CHO, एक को हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिख दिया और एक को बिना बॉन्ड लिखा लिख दिया, सही हुई। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो भाई ये है ग्रुप, ग्रुप से जुड़ा अगला कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठाना है। पहले यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ दिया, सही है भाई, एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ रख दिया बैलेंसिंग पूरी कराने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया तो एक बैलेंसिंग इसकी घट गई, क्योंकि बॉन्ड एक टूट की वजह से ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कम हो गई और एक बैलेंसिंग इसकी कम हो गई कार्बन की, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग तोड़ क्यों, तो यहाँ से हाइड्रोजन आया और ऑक्सीजन के साथ मिल गया, अब कार्बन की जो बैलेंसिंग कम रह गई और यहाँ से एक एच छटने की वजह से इसकी भी एक बैलेंसिंग कम हो गई, तो इस कार्बन की एक बैलेंसिंग कम है और इस कार्बन की भी एक बैलेंसिंग कम है, तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। इसके साथ जो एच लगा वो हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं और यहाँ से इसकी बैलेंसिंग जोड़ देंगे, तो क्या बोला CH2CH2 तो रह गया यहाँ पर जो भी कैच छट गया था, तो अब आगे का रिएक्शन तो जारी रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से निचली कण कर देंगे, जल का एक कण निकाल लेंगे, कैसे, यहाँ से OH ले लेंगे और यहाँ से HN ले लेंगे, ठीक है भाई, यहाँ से OH और यहाँ से HN, तो जब यहाँ से OH ले लेंगे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटने वाले इस कार्बन की बैलेंसिंग कम हो जाएगी और यहाँ पर H कम हो जाएगा तो एक कार्बन इस कार्बन की भी एक बैलेंसी कम हो जाएगी, तो दोनों की एक बैलेंसी कम हो जाएगी, तो बीच में हम ले लेंगे डबल बॉन्ड, बीच में ले लेंगे डबल बॉन्ड और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, सही है भाई। तो ये क्या बना, एल्डोल, सबसे पहले ये वाली जो चीज बनी थी इसको हम कहेंगे एल्डोल, ये एल्डोल बन गया और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो ये वाली अभी क्या कहलाती है एल्डोल सघनन। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है आपस में संघनित होकर, आपस में संघनित होकर कास्टिक, ये लिख देना कि NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एल्डोल देते हैं, ठीक है, और निर्जलीकरण होने पर एल्कीन और एल्डिहाइड का मिश्रण मिलता है, ठीक है भाई, तो ये लिखेंगे।